तो लिखिए क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड्स इन 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दिस टाइम। स्पीड कितनी दी है? 10 से स्पीड ऑफ 10 की 20। देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत कुछ लोग ये गलती करते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड दी हुई है कि भाई 20 हो गई है, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट करके डिस्टेंस आ गया 200 मीटर्स। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? ये जो स्पीड हमने ये जो लिखा है फॉर्मूला कि भाई 20 की स्पीड से चल रहा था कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए। तो क्या स्टार्ट पॉइंट से लेके 10 सेकंड तक क्या ये पूरे समय पे स्पीड ये थी? क्या स्टार्ट पॉइंट से यहां तक पूरे समय पे ये स्पीड थी क्या 20? नहीं, पूरे समय पे ये स्पीड नहीं थी। स्टार्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी थी? 0। यहां पहुंच गया तब स्पीड कितनी हो गई? 20। तो बीच के हर पॉइंट पे द स्पीड वॉज डिफरेंट। तो मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में जब मैं स्पीड को 20 लिख रहा हूं, टाइम को 10 लिख रहा हूं, ये कब का डिस्टेंस निकल रहा है? अगर मेरी गाड़ी 20 के स्पीड से चल रही है, पूरे 20 के स्पीड पे ही चल रही है, कब तक? 10 सेकंड तक। मतलब उसकी स्पीड बदल नहीं रही है, मतलब ये यहां के मोशन में द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। सो मतलब द एक्सेलरेशन इन दिस मोशन इज 0, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अभी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ा है फ्रेश, तो इट विल यानी ये नहीं होगा, बट बहुत बार ये हम लोग हाई गड़बड़ में गलती कर देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी करना क्या है, सिंपल सवाल है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर्स पर सेकेंड्स, टाइम इज 10 सेकेंड्स। क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वैसे अब यू वी टी और एस डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इज 20 विच इज इक्वल्स टू यू इज 0 प्लस ए इंटू टी इज 10। तो 20 बाय 10 दैट इज ए, ए इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यू टी इज वॉट? 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी इज वॉट? 10 का स्क्वायर विच इज 0 प्लस 100 which is equals to 100 meters. Clear है सबको? नोट कीजिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स
कार मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिटार्ड्स एट, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 15 सेकेंड्स। चेक करते हैं, रिटार्डेशन कितना 2 दिया है ना, चेक करते हैं, चेक करते हैं। मैम रिटार्ड्स रिटार्ड्स रिटार्ड्स, रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चलिए कितने लोगों का आंसर आ गया 75। चलिए तो ये तो सबको -1 मिल गए, 75 इज रॉन्ग। अब सोचिए क्यों गलत है, वट वेंट रॉन्ग इन दिस। हम 9th से प्रमोट होके 11th में आए हैं, तो हम सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन में बिलीव नहीं करते हुए अप्लाइंग द ब्रेन में भी बिलीव कर रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं, स्पीड्स को आप किलोमीटर पर आवर में पुट कर रहे हैं, ऐसा यूनिट क्या है, यानी ये तो नहीं, 525 नहीं। तो क्या किया समझ में नहीं आया मेरे को, आंसर 15 शायद 100 है, मेरे को नहीं पता, आंसर चेक करना पड़ेगा मेरे को, बट शायद 100 है आंसर। 125 आया आपका, कैसे आया, क्या किया? तो वी क्यों निकाला, समझा नहीं मैं, यानी तू शायद तूने किया बराबर है जो करना चाहिए, बट तू समझा नहीं पा रहा है, तूने क्या बोला वापस, वी क्यों निकाला फिर? वी कितना आया? फिर यूगी क्या डाली और टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -2 इंटू टी की वैल्यू, फिर कैलकुलेशन सही करना भी, फिर कैलकुलेशन गलत किया तूने। आया क्या भूमि जी? नहीं आया समझ में क्या हुआ है। तनुश्री जी नहीं, उधर नाम भूल गया यार मैं, नाम बहुत जल्दी भूल जाता मैं। क्या नाम है आपका? फ्यूचर, क्या लिखा है? फ्यूचर, हाँ फ्यूचर लिखा ना टी शर्ट पे, हाँ मानस, यस मानस जी। 75 तो गलत है ना, वो तो बोल ही रहे हैं हम लोग 75 आएगा, तो बहुत ही सारे सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में करके ये हो गया। हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए, आपकी गाड़ी को आपने ब्रेक लगाए, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में? 20 मीटर्स पर सेकेंड्स। रिटार्डेशन कितना है? -2। कितने सेकंड में रुक जाएगी गाड़ी?
कितने सेकंड में रुकेगी गाड़ी? 10 10 सेकंड में गाड़ी को रुकने के बाद ब्रेक दबा के रखो, क्या होगा? पीछे जाना शुरू कर देगी क्या? पीछे जाएगी क्या गाड़ी? नहीं। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बाद? जीरो। उसके बाद कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। आपने जब मैथमेटिकल इक्वेशन में डाला, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे, जो एक फिजिक्स और मैथ्स का जो हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन, हम लोग को दोनों चीज में ये रियलाइज करवाता है, हमने इसमें कहीं गलत नहीं किया। यू इज इक्वल्स टू 20 अगर आपने डाला, एक्सेलरेशन -2 डाला, टाइम 15 डाल दिया, आपने प्योर मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर लिया। बट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग प्योर मैथमेटिक्स, वी आर स्टडिंग फिजिक्स। आप सोचिए, जब आपकी गाड़ी गाड़ी के लिए बोला हुआ, स्पेसिफाई किया हुआ कार है, तो जब ये जा रही थी, इसकी स्टार्टिंग में स्पीड 20 थी, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड 0 हो गई। अब इसके बाद मैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में पूछूं, 11 में पूछूं, 12 में पूछूं, 13 में पूछूं, 14 में पूछूं, 15 में पूछूंगी, 50 में पूछूं, द डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन द सेम, द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो आगे का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में निकालना है? 15 में पूछा है, बट निकालना कितने में है? 10। तो यू इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड्स, टाइम इज 10 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर, एस इज इक्वल्स टू यूटी विच इज 20 × 10 प्लस हाफ इंटू -2 × 10 का स्क्वेयर। 20 × 10 इज वॉट? 200 -100 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। कैसे आया था वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वही तो मैं बोला था को, तेरे क्या किया है तूने, वो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वो अगर किया है तो फिर बराबर था। तो इसलिए यानी अभी जैसे हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे आज और कल, हम लोग मोशन के ही क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन करेंगे। वी इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू अस फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यानी जो हम लोग प्योर सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक शायद 9th में किए होंगे, इसमें विल बी नॉट बी डूइंग जस्ट प्योर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस, थोड़ा सा कहीं दिमाग अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक चीज पे हमेशा है ना आपका कॉन्शियस, कहाँ पे एक चीज पे ध्यान कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा हमको? वी जीरो जहां होना शुरू हो जाता है ना, वहां से चीजें प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को ब्रेक लगा दिया तो वी क्या हो गया? 0 हो गया, तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी। बहुत केसेस में हमको डिस्टेंस ट्रैवल पूछ लेते हैं, तो जब डिस्टेंस ट्रैवल पूछते हैं ना, तो ये वाले केस में तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है, कोई फर्क है क्या? गाड़ी सीधा सीधा जा रही थी, यहां जाके रुकी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है। बट कल जाके अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए जिसमें गाड़ी के बदले कोई और चीज बोला हो, तो ये जाके मान लो रिटर्न आ गया, मान लो गाड़ी नहीं होती थी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिया होता था, तो हम सॉल्व करते थे, तो आपका 75 बराबर निकलता था। ये u20 t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स के लिए आप सॉल्व करोगे, तो ये बराबर निकला आपका, करेक्ट है आपका। सॉल्व करके एस कितना आया था? सेम क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ, रिटार्डेशन -2 वाला, तो आपका एस कितना आया था इसका? 75। तो व्हाट इज 75? विच लेंथ इज 75? ए बी सी, ए इज 75 ए बी और ए सी और बी सी और ए सी प्लस सी बी। Which is 75? This, 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 this. 75 कौन सा है? लोगों को ये तो समझ रहा है कि आगरा या दिल्ली में से है, उसी को वोट गिर रहे हैं, ये दोनों तो इलेक्शन में हारने वाले हैं, ये पक्का हो गया। अब कितने लोगों आगरा को वोट डाल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील द आंसर इज आगरा? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं आगरा वाले। हाउ मेनी फील द आंसर इज दिल्ली? दिल्ली पे भी बहुत सारे वोट हैं, दिल्ली पे वोट ज्यादा है, बट देन वी विल नॉट गो विथ मेजोरिटी, द करेक्ट आंसर इज ए बी।
हमारा एस निकलता है, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइन जॉइनिंग द स्टार्ट टू द एंड पॉइंट। तो जो हमारा 75 निकला है वो ये वाली लेंथ है। क्लियर है? अरे बोलो, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हम करेंगे आगे। कल जाके हमको पूछ लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपको एसी भी निकालना पड़ेगा, सीबी भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुए क्या? नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ? क्या कंडीशन है? कब नहीं सेम होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ? चेंज हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की कंडीशन क्या है? कब जाके, कहां जाके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है? वेलोसिटी जीरो होगी जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्योंकि पहले पॉजिटिव थी, बाद में पीछे जा रहे निगेटिव हुई, तो पॉजिटिव नंबर से निगेटिव नंबर पे गए तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा। इसके लिए जहां वी इक्वल टू जीरो हुआ वहां पे मोस्ट, यानी द डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वहां पे वी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है ना? तो कहां वेलोसिटी जीरो हो रही है, इस चीज को हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड में कभी भी क्वेश्चन करते समय चेक करते रहना है कि कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या। और अगर हो रही है तो फिर हमें चीजों को उसके हिसाब से इमेजिन करना है कि एक्चुअली क्या होगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, बट वो फिजिकली पॉसिबल है क्या? क्या पूछा है और क्या हम लोग कर रहे हैं वो मैच कर रहा है क्या? वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये पूरा सब कुछ क्या बोला मैंने एकदम से अगर नहीं भी समझा होगा, हम ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वन वन एंड हाफ और 2 आवर्स ऑफ नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब हम आखिरी में वापस ऐसे एग्जांपल्स और करेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप पूछिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। वर्ड प्रॉब्लम्स के हम लोग टुवर्ड्स द एंड करते हैं, हमने शुरुआत या जिसपे की है। कुछ दिक्कत जा रही है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझा होगा तो पूछिए, किसी को कोई डाउट होगा तो। एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझा हो तो बोलिए 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 बोलिए। नहीं है किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं है, ग्रेट। क्या हुआ? गार्गी जी पूछ रहे कुछ कि क्या? मैम पूछ रहे कुछ? तन्वी जी पूछ रहे? नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको।